हेलो फ्रेंड्स, ट्विन फ्लेम की करंट एनर्जी बता देती हूँ। करंट एनर्जी में थोड़ी सी उथल पुथल चल रही है दोनों ट्विन फ्लेम्स की लाइफ में। काफ़ी सारी उथल पुथल चल रही है और डिवाइन मस्कुलाइन डे बाय डे डे बाय डे इस कनेक्शन के लिए सीरियस होते जा रहे हैं, इस कनेक्शन के डीपनेस को समझते जा रहे हैं। अब उनको जो है समझ में आ रहा है, कहीं ना कहीं सरेंडर करते जा रहे हैं और सोच रहे हैं कि डिवाइन फेमिनाइन से कांटेक्ट कैसे किया जाए। बट अभी भी वो जो प्रोसेस है वो स्लो पड़ा हुआ है। इसमें दोस्तों बहुत सारा ये है कि क्यों डिवाइन मस्कुलाइन जो है चाहकर भी डिवाइन फेमिनाइन तक पहुंच नहीं पा रहे हैं। तो इसका रीज़न है नेगेटिव एनर्जीज जो नहीं चाहती है कि डीएम डीएफ मतलब डिवाइन फेमिनाइन और डिवाइन मैस्कुलाइन एक हो, या उनका रीयूनियन है। एक हो मतलब यहाँ पे शादी या फिजिकल यूनियन नहीं होता है, बट दोनों जब एक होते हैं तो कोई ना कोई सोल पर्पस करते हैं, कोई ना सोसाइटी के लिए कुछ ना कुछ करते हैं, या दोनों जब भी साथ होते हैं तो एनर्जीज इतनी अच्छी होती है कि आसपास के एरियाज जो होते हैं वो बहुत ही पीसफुल और रिलैक्स हो जाते हैं। दोनों ट्विन फ्लेम्स की जो है बहुत ही ज़बरदस्त ग्रोथ होते हैं उनकी लाइफ में, हर चीज़ की ग्रोथ होती है, अबेंडेंस वगैरह, मनी, बिजनेस, सब कुछ बहुत ही अच्छे से चलने लगता है जब दोनों ट्विन फ्लेम्स एक साथ होते हैं। जिस भी एरिया में रहते हैं उन लोगों की ग्रोथ होती है। वहाँ पे कोई नेचुरल ऐसे भूकंप हो या कोई भी महामारी हो, जहाँ पे अगर ये दोनों ट्विन फ्लेम्स साथ में हो तो वहाँ पे देखा जाता है कि ज़्यादा ये कुछ इफेक्ट नहीं कर पाता, या ये लोग हील कर देते हैं उस एरिया को जब ये दोनों साथ में होते हैं। तो इतनी पावरफुल एनर्जीज काम करने लगती है कि बहुत हीलिंग उस प्लेस को मिलती है। तो ऐसे में निगेटिव एनर्जीज कभी भी नहीं चाहेंगे कि इनका रीयूनियन हो, क्योंकि अगर ये दोनों एक साथ में आ जाते हैं तो ये सोल पर्पस पे लग जाते हैं और निगेटिव एनर्जीज का काम ख़त्म। तो ऐसे में गॉड प्लानिंग कर रहा है इन दोनों को मिलाने की और रियलाइजेशन पैदा कर रहा है डिवाइन मैस्कुलाइन के अंदर, जो कि इस डीपनेस को अब समझ रहे हैं और सोच रहे हैं कि कैसे डीएफ से जो है कांटेक्ट किया जाए। बट कुछ ना कुछ उनको अभी भी रोके जा रहा है या उस प्रोसेस में वो है। और इधर डिवाइन मैस्कुलाइन पे जो है काफ़ी निगेटिव एनर्जीज का प्रभाव है, जो कि ड्रीम में वगैरह ऐसे दिखाई दे रहा है, जो रियल जितनी भी रियल डीएफ हो, कि डिवाइन मैस्कुलिन के चेहरे बिगड़े हुए हैं, डिवाइन मैस्कुलिन की ऑरा कमज़ोर हो चुकी है, वो जैसे एडिक्शन में है, जैसे कोई ना कोई एक एनर्जी उनको रोके हुए है। अब ज़रूरी नहीं दोस्तों कि यहाँ पे हर बार थर्ड पार्टी वाइफ ही हो, मदर ही हो, वर्क ही हो। थर्ड पार्टी सिर्फ एक जरिया है निगेटिव एनर्जीज का, जहाँ वो इंटर करके डिवाइन मैस्कुलाइन की जो है एनर्जी को खा जाती है। डिवाइन मैस्कुलाइन बहुत ही मतलब उनको रियलाइजेशन तो हुआ है, बट कुछ कमजोरी, जैसे फिजिकल कमजोरी हो, मेंटल कमजोरी हो, सोल लेवल पर, हर लेवल पर एक कमजोरी उनके अंदर दिख रही है। आपको भी ड्रीम के अंदर ऐसे इमेजेस दिख रहे होंगे जिसमें डिवाइन मैस्कुलाइन काफी कमजोर दिख रहे हैं, काफ़ी जैसे उनकी एनर्जी को सक कर रहा है और कोई ना कोई औरत उनके साथ दिखती है, जो ये बताती है कि कोई ना कोई औरत है जो रोके हुए है उनको, जिसकी जो इनकी एनर्जी पे जी रही है। अब ज़रूरी नहीं कि हर वक्त उसकी वाइफ से ही नफरत की जाए या हर वक्त उसकी गर्लफ्रेंड से ही नफरत की जाए। तो ये एनर्जी किसी से भी आप उनको अगर उनकी वाइफ से छुड़वाओगे तो ये उनकी बहन के रूप में मिल जाएंगे, उनके बहन से छुड़वाओगे तो माँ के रूप में मिल जाएंगे, माँ से दूर करोगे तो गर्लफ्रेंड के रूप में मिल जाएंगे, गर्लफ्रेंड से दूर करोगे तो दोस्त के रूप में मिल जाएंगे। तो कहने का मतलब है कि एनर्जी जो है नेगेटिव किसी के भी रूप में डिवाइन मैस्कुलिन से कनेक्ट कर रही है, उनकी पूरी पूरी तरह से उनको इस लेवल तक ड्रेन किया जा रहा है कि वो वहीं पर दम तोड़ दे, वो आप तक पहुँच ही ना पाए। फिजिकल, मेंटल, ऑल लेवल पर उनको जो है ख़त्म किया जा रहा है। तो ऐसे में बहुत ही आवश्यक है कि आप सिर्फ योगा, मेडिटेशन और ये इनर वर्क, देखो इनर वर्क बहुत अच्छा है, मेडिटेशन से आप ईश्वर से कनेक्ट होते हो, लेकिन कुछ चीज़ें जब ऐसी आ जाती है
जहाँ पे जो है दैवीय शक्तियाँ ही काम करती है, ऐसे में आपको बहुत ही पावरफुल कुछ ऐसा करना चाहिए जिससे जो ये इविल एनर्जी जो कनेक्ट हो रखी है डिवाइन मैस्कुलाइन के साथ वो रिमूव हो जाए। मान लीजिए वाइफ भी हो उसकी, तो उनके भी रिश्ते अच्छे हो जाए। इसका मतलब बिल्कुल नहीं है कि आप ट्विन फ्लेम जर्नी में हो तो वो वहाँ से डिवोर्स करेगा, आपके पास आएगा, शादी करेगा। देखो, आप एक सोल कंप्लीशन की जर्नी में हो। अगर आपकी लाइफ में मतलब सोल कॉन्ट्रैक्ट में आप मैरिज वगैरह लिखा कर लाए हो तो आपकी मैरिज होती है। पर जहाँ तक बात रियूनियन की है, जब तक रियूनियन आता है दोस्तों, तब तक ये सारी ख्वाहिशें खत्म हो जाती है, इच्छाएं खत्म हो जाती है। डिवाइन फेमिनाइन को भी ग्रोथ मिलती है, उनको भी पैसा, अबेंडेंस, सब कुछ मिलता है, जिसकी वजह से जो है उनको कोई एक्सपेक्टेशन नहीं रह जाती। और कुंडली अवेकनिंग के बाद सेक्सुअल डिजायर भी खत्म सी हो जाती है। तो ऐसे में जब दोनों एकदम प्योर हार्टेडली, कहने के बजाय कह सकते हैं प्योर सोलफुली, एक सोल लेवल को ही एक्सपीरियंस कर रहे हैं, बाकी कुछ एक्सपीरियंस ज़्यादा नहीं कर रहे हैं, बस सोल को एक्सपीरियंस कर रहे हैं अपने पास्ट लाइफ को। बहुत इस जर्नी में जो है पास्ट लाइफ भी याद आता है, बहुत ही धमाके, मतलब एक फिल्म स्टार की जो स्टोरी होती है उस जैसी ये ट्विन फ्लेम जर्नी है कि कभी यकीन ही नहीं होता कि ऐसी भी स्टोरी हो सकती है। और हम इतने यूनिक है कि हमको इस स्टोरी के लिए चुना जा रहा है। बट हाँ, इस स्टोरी में जो है काफ़ी दुख है। ऐसा भी नहीं है कि फट से सब कुछ आपको हासिल हो जाएगा, और जब हासिल होने का टाइम आता है तब वो इच्छा ही नहीं रहती, तब वो क्रेविंग ही नहीं रहती, तब अपने आप ही में ही इंसान जो है संपूर्ण हो जाता है। फिलहाल अगर डिवाइन फेमिनाइन की एनर्जी की बात मैं करूं तो डिवाइन फेमिनाइन बहुत ही पीसफुल है, बावजूद इसके कि उनके ऊपर जो है काफ़ी अटैक्स हो रहे हैं, काफ़ी मतलब गंदी चीज़ें उनके साथ हो रही है। एक तो ब्लैक मैजिक किया जा रहा है, कार्मिक जो है बहुत ही हाइपर हो चुके हैं कि मतलब कुछ भी करके, क्योंकि डिवाइन फेमिनाइन सक्सेस पा रही है, तो उसको इस जर्नी में कहीं से भी उसको नीचा खींचा जाए तो अचानक से कार्मिक्स जो है बहुत ही स्ट्रांग हो चुके हैं, और वो जो है डे बाय डे अटैक करने का प्लानिंग, कुछ ना कुछ नुकसान करने का प्लानिंग, कैसे भी आपको नीचे खींचने के लिए मतलब तैयार पड़े हुए हैं। कुछ भी आपको घर में हो या कहीं पे भी हो, वो नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। तो मैं ऐसे में अलर्ट रही है दोस्तों। मैं कई बार सोचती हूँ कि मुझे समटाइम्स मुझे पता होता है कि कई कोई अगर मेरे घर में आ रहा है तो किस इंटेंशन से आ रहा है, बट हम उसको रोक नहीं पाते। हम जानते हैं कि समटाइम्स कुछ लोग ब्लैक मैजिक करते हैं, घर में आते हैं, ये गलत इंटेंशन से आया है, ये हम जानते हुए भी उसको घर से बाहर नहीं निकाल सकते। ऐसे में सरेंडर तो मेरा बहुत रहता है, क्योंकि कितना हम प्लान करें ना, कोई अगर नुकसान ही पहुंचाना चाहता है तो उसकी खोपड़ी किस लेवल तक, किस गंदे लेवल तक जा सकती है, इसका कोई भी हम अंदाज़ा नहीं लगा सकते। मेरे घर में कोई नहीं आता दोस्तों। मेरे घर में कुछ ऐसे पाउडर मेरे जो कपड़े होते हैं वहाँ पे छिड़की गई, जहाँ मैं सोती हूँ वहाँ पे छिड़का गया, मेरा जो चादर है उसके, जो मैं लपेट के सोती हूँ उसके ऊपर, पिलो के ऊपर ऐसा कुछ छिड़का गया है जैसे कांच की पाउडर हो कोई, मतलब कोई ऐसा जैसे डैंड्रफ हो मैंने बालों के अंदर का, जो दिखाई, जो दिन में तो दिखाई भी नहीं देता लेकिन जब नाइट को मैंने देखा तो कि ये चमक रहा है और ये बिल्कुल कांच जैसा है, और बिल्कुल आपको वो समझ में ही नहीं आएगा, आटे की तरह, और आटा भी डिटेक्ट कर सकते हैं लेकिन उसको डिटेक्ट करना बहुत मुश्किल है, और वो चुभेगा, इतनी खुजली होगी। तो ऐसे लोग आते हैं जब उनका ब्लैक मैजिक करके भी पेट नहीं भरा तो घर में ऐसी चीज़ें छिड़कना जिससे खुजली हो। तो मुझे नाइट को नहाना पड़ा 2:30 बजे, और मैं सोच रही हूँ कि ये क्या है। तो अगर आपके साथ भी खुजली वाला पाउडर डाला गया है, पाउडर नहीं, ये कुछ अजीब सी चीज़ है, ये ऐसा भी नहीं कि मैंने कुछ खरीदा है, गंदा है इसलिए हुआ है, ये डाला है किसी ने, धुले हुए कपड़ों पर डाला है, जहाँ जहाँ भी पर भी कपड़े हैं वहाँ पे ये डाला गया है। तो मैं रात में, मुझे खुजली से परेशानी नहीं हुई क्योंकि मैं नहा के आ गई, साथ
सारे कपड़े झटके मैंने, और फिर भी वो ऐसे बॉडी से चिपका हुआ है। तो मैंने देखा कि ये तो कांच के टुकड़ों जैसा है। बस आत्मा थोड़ी रोने लगी, मेरी आंखों में आंसू आ गए कि कोई कितना नीचे गिर सकता है, कोई किस हद तक नीचे गिर सकता है। तो ये तो है ही, मन में जिसके पाप है वो तो ब्लैक मैजिक करता है, कुछ भी करता है, बट कोई कितना नीचे गिर सकता है? क्या कोई अपनी लाइफ नहीं जी सकता, बस दूसरों की लाइफ में उसको इंटरफेयर करना है, दूसरों का नुकसान करते जाना है? नाइट को बस रोना आ गया मेरे आंखों में, ज्यादातर फट से मैं रोती नहीं, बट रोना आ गया मुझे। तो इस वक्त बहुत ही डिवाइन फेमिनिन की लाइफ में जो है कार्मिक स्ट्रांग हो गए हैं, कहीं ना कहीं ये इशारा दे रहा है उनको कि इस लेवल तक अगर परेशान किया जा सकता है तो आपको वो प्लेस छोड़ना पड़ेगा। तो मैं सिर्फ अपनी फादर की वजह से यहाँ पे हूँ, मैं खुद ये प्लेस छोड़ना चाहती हूँ, क्योंकि मैं गंदे इरादे, बुरे इरादे अपने कार्मिक फैमिली के जानती हूँ, तो मैं खुद छोड़ना चाहती हूँ। बट इतना आसान नहीं होता है, अगर आपका काम भी थोड़ा सा कम ज़्यादा चल रहा है तो आप रिस्क नहीं ले सकते कि आप कहीं और स्थलांतर करो, फिर तो आपके खर्चे आपको ही उठाने हैं। समटाइम्स लगता है जब डिवाइन फेमिनाइन भी डिवाइन मैस्कुलाइन से भागती है तो कोई ना कोई ऐसा प्लेस पक्का रहता है कि भगवान जो है उनको उस प्लेस पे एक्सीडेंटली मिलाता है। तो मैं डरती हूँ उस प्लेस से, शिरडी जाने से हमेशा, और मैं उस एरिया से दूर रहती हूँ। गलती से भी मेरे डीएम वहाँ पे हो सकते हैं, ऐसे एरियाज को मैं फेस नहीं करती और चली जाती हूँ, या मैं रास्ता बदल देती हूँ। आने वाला समय में चैलेंजेस जरूर बहुत बड़े बड़े आने वाले हैं डिवाइन फेमिनिन की लाइफ में, बट हाँ ईश्वर उनके साथ है और कहीं ना कहीं उनके मन की तैयारी भी इस चीज़ के लिए करवाई गई है कि आने वाले समय में आपको कार्मिक्स जो है काफ़ी परेशान कर सकते हैं, ये इविल्स परेशान कर सकते हैं जो नहीं चाहते कि ट्विन फ्लेम एक दूसरे के पास आए, बट गॉड जरूर चाहता है कि ये एक दूसरे के पास आए। तो यहाँ पे हो ये रहा है कि गॉड मिलाने की कोशिश कर रहा है और जो निगेटिव एनर्जीज जो है वो दूर करने की कोशिश कर रहा है। आपके डीएम के दिल के अंदर वो दर्द पैदा किया जा रहा है जिससे आपको आपके डीएम जो है आ हमारे आपके लिए आपको याद करे, आपको दर्द से याद करे, उसके लिए जो है उसके अंदर वो इंटेंसिटी, वो हार्ट के अंदर वो दर्द, वो पेन, वो जो ड्रेन होना है उनको डिवाइन फेमिनाइन एनर्जी का इम्पोर्टेंस कि वो कितनी प्योर एनर्जी है और उनके खुद की ही काउंटर पार्ट है, तो उस एनर्जी के लिए है डिवाइन मैस्कुलिन बिल्कुल तड़प रहे हैं और वो रियलाइज़ कर रहे हैं कि उन्होंने जो क्या गलतियाँ की थी, जो भी गलतियाँ उन्होंने इस जर्नी में की थी वो कम्प्लीटली अब रियलाइज़ कर रहे हैं, महसूस कर रहे हैं, समझ रहे हैं। काफ़ी जो है मैच्योर उनकी एनर्जी हो गई है, बट अभी भी बहुत से डिवाइन फेमिनिन मैस्कुलाइंस ने सोच तो रहे हैं लेकिन कांटेक्ट नहीं किया है। तो ये क्यों नहीं हो रहा है? ये इविल एनर्जी की वजह से नहीं होना है, तो आपको पावरफुल रेमेडीज करनी चाहिए जो भी आपके आराध्य है, क्योंकि ट्विन फ्लेम्स के जो भी आराध्य होते हैं तो उनको वो ड्रीम्स में ज़रूर दर्शन देते हैं। तो आपको जो है ये रियूनियन का छोड़िए, रियूनियन तो डिवाइन टाइम पे होके रहेगा, लेकिन जो डिवाइन मैस्कुलाइन की बुरी हालत ड्रीम में बार 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 दिखाई जा रही है कि वो ड्रेन हो रहे हैं, कमज़ोर हो रहे हैं, फिजिकल मेंटल ऑल लेवल पर कोई ना कोई एनर्जी जो है उनको, उनकी फिजिकल एनर्जी को खींच रही है, सोल की एनर्जी को खींच रही है, उनको हर लेवल पर जो है ड्रेन कर रही है कोई ना कोई ज़बरदस्त इविल एनर्जी ये है। तो आपको इस एनर्जी से बचने के लिए बहुत ही पावरफुल रेमेडीज़ करनी चाहिए, मैनिफेस्टेशन स्ट्रांग करना चाहिए कि आपके डीएम को आप प्रोटेक्ट करो, ट्विन फ्लेम्स को उनके आराध्य जो है ड्रीम में दर्शन देते हैं, उनको बताते हैं उनकी वो उनके आराध्य है। तो ऐसे में आपको आपके जो भी आराध्य है, महादेव है या जो भी है, तो मैं तो कहूँगी कि आप दत्तमाला मंत्र जो होता है उसके रिकॉर्डिंग्स भी मिलते हैं और लिरिक्स भी मिलते हैं, उसको पढ़िए, चांट कीजिए और
भगवान दत्तात्रेय से प्रार्थना कीजिए। देखिए उनके तीन मुख है, ब्रह्मा विष्णु महेश्वर, तो उनके प्रार्थना कीजिए कि दोनों सोल्स को, आपके आसपास के सोल्स को, डीएम के फैमिली मेंबर्स और डीएफ के फैमिली मेंबर्स, दोनों के फैमिली मेंबर में गलती से भी ये इविल एनर्जी कनेक्ट ना हो, उन फैमिली मेंबर के थ्रू ये आपको परेशान ना करे। यहाँ डीएफ की मदर, डिवाइन फेमिनाइन की मदर की शरीर में ये एनर्जी पाई जाती है, तो वहाँ डिवाइन मैस्कुलाइन की जो वाइफ हो या मदर हो, बहन हो, गर्लफ्रेंड हो, मित्र हो या काम भी हो सकता है, उनको इस तरह फंसाया जाता है कि वो डिवाइन फेमिनाइन की तरफ ना देख पाए। तो रीयूनियन से ज़्यादा आप जो है अपने सोल को प्रोटेक्ट करने के लिए पावरफुल रेमेडीज़ कीजिए। तो मैं, मुझे अगर कोई पूछे तो मैं उनको बोलूँगी भाई शाम को जो है 21 माला भैरव मंत्र का आप जाप कीजिए, और भैरव चालीसा भी रात को पढ़िए, और दत्तमाला मंत्र भी जो है गुरुवार के दिन कहते हैं कि इसको सिद्ध किया जाता है, 108 बार अगर गुरुवार के दिन आप इसका पढ़े तो दो चार घंटे लग जाते हैं बट ये सिद्ध हो जाता है। बट जब भी आप इसका यूज़ करोगे 25 बार या बोलोगे वो, तो आप जो है इसको बहुत ही पावरफुली इसका एक्सपीरियंस कर पाओगे कि दत्त गुरु किस तरह से आपकी रक्षा करते हैं। और इस प्रोटेक्शन की, डिवाइन मैस्कुलाइन और डिवाइन फेमिनाइन की को जो है इस वक्त प्रोटेक्शन की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। डिवाइन फेमिनाइन फिर भी पीसफुल है, ये अटैक्स होने के बावजूद भी वो जो है पीसफुल है। कहीं ना कहीं डिवाइन फेमिनाइन जो है मदद की अपेक्षा कर रही है कि उनका जो है, उनको 3D लाइफ में मदद नहीं मिल रही है, किसी भी चीज़ में जो है थोड़ा सा उनको काफ़ी प्रॉब्लम्स को फेस करना पड़ रहा है, चाहे वो जॉब की जगह हो, घर में हो, हर जगह जो है मदद की कमी महसूस हो रही है। और काम पे भी कुछ ना कुछ इफेक्ट हुआ है, मतलब थोड़े बहुत बिजनेस लॉस उनको हो रहे हैं, अगर वो किसी बिजनेस में है, काम में है, जॉब में है, तो आर्थिक लॉस उनको थोड़ा सा फेस किया जा रहा है। तो ये एनर्जी चल रही है, आप भैरव मंत्र का जाप कीजिए, भ्रम भैरवाय भ्रम ज़रूर कीजिए। और अगर आप अभी भी ट्विन फ्लेम जर्नी में कहीं भी कंफ्यूज है दोस्तों, तो रेकी सीखिए। रेकी से आपका एक तो इनर वर्क हो जाएगा, आपको एक नया करियर स्टार्ट हो जाएगा। रेकी एक डिवाइन एनर्जी है, इस रेकी की प्रैक्टिस करने से एक दिन आपकी कुंडली एक्टिवेशन होता है। 4th लेवल में जो है कुंडली एक्टिवेशन तो किया जाता है, लेकिन कुंडली राइज करना, शक्ति को शिव से मिलाना, ऊपर चढ़ाना जो है ईश्वर का काम है और आपकी साधना का, सेवा का काम है। लेकिन रेकी में जो है आप कंफर्म हो जाते हो कि आप ट्विन फ्लेम हो या नहीं, क्योंकि इस ट्विन फ्लेम जर्नी में 7 चक्रा एक्टिवेशन होता है और रेकी में भी जो है 7 चक्रा एक्टिवेशन होता है। रेकी सीखने के बाद एक सेंस दिया जाता है आपको ईश्वर की तरफ से, जिससे आप महसूस करते हो उस चक्रों का घूमना। अगर ये 7 चक्रा आपके बॉडी में घूमते हुए आपको महसूस हो रहे हैं तो मान लीजिए आप एक ट्विन फ्लेम हो, क्योंकि दुनिया में सिर्फ ट्विन फ्लेम और स्टारसीड ही है जिनके 7 चक्रा एक्टिवेट होते हैं और कुंडली एक्टिवेशन होता है। तो रेकी में भी कुंडली एक्टिवेशन होता है, और हजारों जन्मों की तपस्या के बाद भी जो प्राप्त नहीं होता, जितना इनर वर्क आप कर नहीं सकते, जितनी साधना नहीं कर सकते, रेकी में वो कुछ ही दिनों में होता है। कुछ इतनी ज़बरदस्त आपकी हीलिंग होती, एक बिगर ट्रांसफॉर्मेशन आपका होता है, कहाँ से कहाँ पहुँच जाते हो आप, आपका इंट्यूशन इतना क्लियर हो जाता है, 3rd eye एक्टिवेट होता है, वो भी विदाउट साइड इफेक्ट। रेकी ऐसी विद्या है जिसका कोई भी साइड इफेक्ट नहीं है। रेकी को माँ समान समझा जाता है। सबकॉन्शियस हीलिंग एज अ सेवा ही रखा गया है। 30 सेशंस 5-6 महीने में, 30 क्या उससे ज़्यादा सेशंस मिलेंगे आपको, लेकिन कम से कम 30 सेशंस का वादा करते हैं, वो भी सिर्फ 500 रुपये में। अगर आपको सिर्फ रिकॉर्डिंग्स ही खरीदने हैं तो वो भी 500 में है, 10-12 रिकॉर्डिंग्स आपको मिल जाएंगे, जितने जितने सब्जेक्ट के बने हैं उतने मिल जाएंगे। अगले संडे को पास्ट लाइफ रिग्रेशन स्टार्ट होने वाला है, तो जिनको भी ज्वाइन करना है फटाफट ज्वाइन कर लीजिए। 555 फीस है, 5 सेशन लिए जाएंगे सबको पास्ट लाइफ रिग्रेशन के। टैरो के कोर्सेज सिर्फ 1100-1100 में अवेलेबल है, ज्योतिष के कोर्सेज भी 1100 में अवेलेबल है। आकाशिक रिकॉर्ड भी ज़रूर सीखिए, अपनी हॉरोस्कोप रीडिंग ज़रूर करवाइए,
अपने बच्चों का विद्या शक्तिपात जरूर करवाइए और मनी रेकी से अपना सैक्राल चक्र का एक्टिवेशन करवाइए। क्रिस्टल रेकी भी जरूर सीखिए, एंजल थेरेपी और मिड ब्रेन एक्टिवेशन का म्यूजिक भी जरूर खरीदिए। थैंक यू दोस्तों।